कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन? ये एक्टिव एक्टिव प्रोसेस होता है या पैसिव? ब्रीदिंग जो है एक्टिव होती है या पैसिव होती है? टेंशन तभी होगा, ये जो लंग्स है इसको आज आया सबसे सबसे ज्यादा तुम लोग को एक लंग्स के काम आ जाते हैं। सब क्वेश्चन क्यों, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है? उससे कुछ गैसें जो हानिकारक गैसें सब निकल जाती है, बाकी सब फर्टिलाइजर के लिए हम इसको यूज कर देते हैं सर। उसके बाद सर इसमें ये यहाँ से प्रेशर टैंक के द्वारा पानी यहाँ ले जाते हैं सर। ये पानी देखने में तो शुद्ध लगता है बट ये रियल में शुद्ध नहीं होता है। तो उसके बाद हम लोग इसमें क्लोरीन की गोली डालते हैं सर। ये क्लोरीन टैंक है, इसमें सर इसने बैक्टीरिया वायरस को नष्ट किया। फिर यहाँ से एकदम प्योर सर वाटर पेयजल जिसे कह सकते हैं सर, तो वहाँ पर इसको इकट्ठा करते हैं सर, सप्लाई करके यहाँ लेकर आएंगे पंप स्टेशन में। उसके बाद सर इसको हम एक हाउस के द्वारा जिसे हम गांव में हाउस कहते हैं टैंक बनाते हैं ऊपर सर, इसको सर ऊपर नहीं दिखा सकते, इसमें कलेक्ट करेंगे पंप के द्वारा सर। ऐसे जैसे निकलेंगे सर मीथेन वगैरह, जिसमें सर हम लोग रसोई के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका भी वेस्ट मटेरियल सर फिर निकलेगा, सोसाइटी से निकालेगी तो इसको फिर सर हम फिर यहीं पर लेकर आएंगे। इस तरीके से प्रोसेस हमारा फैक्ट्री का भी सोसाइटी के बस सिर्फ चलता रहेगा। अब देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कारखाने का वेस्ट करेगा, 100 तरह के कारखाने होंगे तो उनका 100 तरह का वेस्ट, उसको किसी एक काम इसको सही नहीं कर सकते। सीवेज में कर सकते हैं क्योंकि हर जगह से सीवेज निकल रहा है, उनका पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन।